वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज के इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हम गए थे ओशियन मॉन्यूमेंट को ढूंढने, पर वो हमें नहीं मिला था। लास्ट टाइम मैं उस विलेज में रुका था, पर मैं वापस आ गया था। और आपको याद होगा रास्ते में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली देखी थी, पर हम उनमें कहीं पर भी जा नहीं पाए थे। तो आज जो है उसी के लिए आज हम बनाने वाले हैं पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग। उसके लिए सिंपली हमें चाहिए होता है ब्लेज रॉड, आई थिंक जो मेरे पास पड़ा होगा, नहीं तो मुझे नीदर में जाकर ब्लेज को मार के लाना पड़ेगा। इनमें तो किसी चेस्ट में नहीं है, चलिए हम दूसरी चेस्ट में देख लेते हैं कि मुझे यहाँ तक याद है लास्ट टाइम मैंने एक ब्लेज मारा था। तो हमारे पास एक ब्लेज रॉड है, हम थोड़ा ये भी ले लेते। और अभी हमें जाना पड़ेगा फिशिंग पर, और फिशिंग पे जाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी फिशिंग रॉड। तो चलिए मैं ये थोड़ा बहुत वुड ले लेता हूँ, और मैं अभी मुझे थोड़ा बहुत ग्लास चाहिए, क्योंकि ग्लास से हम बनाएंगे बॉटल। चलिए हम यहाँ से अब अपना जो है ब्लेस को ब्लेस पाव ब्लेज पाउडर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। और चलिए भाई हमने ये भी कन्वर्ट कर लिया है, और अभी हमें बफर फिश पकड़नी है, मतलब स्ट्रिंग्स भी है हमारे पास। आई थिंक इतने स्ट्रिंग्स में बन तो जाना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ तो भाई लोग अभी जो है हमारा वो भी बन चुका है, हम ग्लास भी बना लेते हैं। हम जल्दी से इसको भी बंद कर देते हैं, और अब हम चलते हैं जल्दी से बफर फिश पकड़ने। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो मेरी डायमंड की पिकेक्स है इसकी काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्वॉर्ड है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ख़त्म हो चुकी है। और चलिए अभी हम फिशिंग कर बफर फिश पकड़नी है हमें। चलो भाई ये गया, देखते हैं हमें बफर फिश मिलती है या नहीं। चलिए जल्दी आ जा, चलिए भी रात हो गई, पहले मैं जाकर सोकर आ जाता हूँ, क्योंकि रात के टाइम में होंगे ज़ॉम्बी स्पॉन और उनकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो अभी जो है मैं अपने विलेज में जाकर सोऊंगा। और चलिए हम जल्दी से चलते हैं हमारे विलेज के अंदर। देखो भाई सारे विलेजर भाग गए, अभी हम जो है सो चुके हैं, और नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं बफर फिश पकड़ने। चलिए अभी हम यहाँ पर हाँ मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड, चलिए मैं जल्दी से यहीं से तोड़ लेता हूँ। हमने एक बंदे को जॉब हमने उसकी छीन ली है, मैं यहीं से निकल गया हूँ वॉल तोड़कर। हम इसको वापस स्विच लगा देते हैं, चलिए अब हम फिशिंग करते हैं जल्दी से। अरे तो मिल तो जानी चाहिए बफर फिश, जल्दी से आ जाए कोई कोई तो आ जाओ भाई। अरे एक फिश तो आ जाओ, अरे आ रही थी मैंने जल्द पहले ही खींच लिया, कोई बात नहीं हम दोबारा ट्राई कोशिश करते हैं। अरे ये वाली इस बार भी नहीं मिल पाई हमें, कोई बात नहीं हम कोशिश जारी रखते हैं अपनी, एक ना एक बार तो मिलेगी। अरे ये तो दूसरी फिश है, बफर फिश होती है दूसरी, उससे हमें मिलता है नीम टैग। आ गया हमारे पास एक, हमारे लोग नीम टैग से मस्ती हम टिकटॉक ट्रिक करेंगे। फिर से यही फिश, इसका क्या नाम है रॉक ऑट। चलिए हम दोबारा से फिशिंग करते हैं, जल्दी से बफर फिश आ जाए। फिर से यही, अरे भाई इतनी एक ही मछलियाँ क्यों दे रहे हो, बफर फिश दे दो भाई जल्दी से।
आई थिंक एक आई हमारे पास। तो फाइनली अभी जो है हमारा, हमें बफर फिश मिल चुकी है। चलिए अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि ओशियन मॉन्यूमेंट तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो है मुझे वो अपना ढूंढना है। वो जो जगह दिखी थी मुझे, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करने की, वहाँ पानी के नीचे था क्या। मैं अपना जो पोशन है मैं यहीं पे बनाऊंगा। मैं एक ब्रिंग स्टैंड भी लाया था, ये रहा। पहले हमें इसको यहाँ रखना होगा और इसे यहाँ, और हमारी जितनी भी बॉटल्स हैं हम इसे, अरे हाँ इसके अंदर तो वाटर ही नहीं है। कोई बात नहीं, पीछे हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स आई थिंक होगा। हाँ मुझे पता था ये यहीं पे होगा। तो सिंपली कि मैं 3 पोशन बनाने वाला हूँ। चलिए हम इसको अब यहाँ पर लगा देते हैं जल्दी से। और सबसे पहले हमें बफर फिश डालनी है। जब तक बन रहे मैं देख लेता हूँ अपने इस चेस्ट में कुछ है। अरे यहाँ पे तो बॉटल्स पहले से पड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, हम और कोई पोशन बना लेंगे। रिएक्शन क्यों नहीं हुआ कुछ, एक सेकेंड। अरे हाँ एक चीज़ और है, तो मैं अपना एक साइड से ही तोड़ के जाके लेकर आता हूँ। मतलब कि मुझे जो है यहाँ पर भी रास्ते बनाने हैं। ये जो चीज़ देख पा रहे हो ना, मैंने उगने के लिए लगाई, ये चाहिए मुझे। मैं इसको रिपेयर करते हुए जाऊँगा यहाँ से। चलो भाई हमने तोड़ के रिपेयर करके वापस आते। पहले हमें ऑकवर्ड पोशन बनाना होता है। सबसे पहले हम नीदर क्वार्ट्स डालेंगे। देखो रिएक्शन होना शुरू हो चुका है यहाँ पर। चलिए हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, और उसको टाइम लिमिट बढ़ाने के रेड स्टोन डस्ट लगाएंगे हम। यहाँ पे जो हमारा ब्लेज पाउडर पड़ा है ख़त्म हो गया सर। कोई नहीं, नीदर में जाके। चलो ये हमारा बन चुका है अक्वर्ट को पोशन। अब इसके अंदर में डालना है बफर फिश। अब ये भी जल्दी जल्दी से हो जाए तो अब हम इसके आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। जब तक मुझे नेम टैग मिले मैं इसको सेव करा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद ही इतनी आसानी से। मैं एरोज ले लेता हूँ। चलो ये हमारा जो यहाँ पर ये हो चुका है, इसमें देखते हैं पोषण ऑफ वाटर ब्रीथिंग पर, ये 3 मिनट का। अब इसमें हम डालेंगे रेड स्टोन डस्ट, तो अब ये बन जाएगा हमारा 8 मिनट का आई थिंक। हम ऐसे कई सारे पोषण भी बना सकते हैं, पर अभी हमारा जो ये पोषण बनने वाला है ये अभी 3 मिनट का है वाटर ब्रीथिंग का है, और ये हमारा बन गया 8 मिनट का। चलो भाई लोग कि अभी जो है हमारे पोषण्स भी बन चुके हैं, हम इसको यहीं रहने दे, पर रेड स्टोन ले लेते हैं हम यहाँ से। चलिए हम वापस से अंदर चलते हैं और अपना सामान कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें वापस से जाना है उसी जगह पर। मुझे वो जगह वहाँ पर देखने की क्या मिलता है। और अभी यहाँ पर तो हमारा, मैंने सारा सामान थोड़ा सेट वेट कर रहा था। इसकी तो हमारी ज़्यादा हेल्थ बची नहीं है। डायमंड की पिकेक्स को ले लेते हैं, ये भी एफिशिएंसी 2 और ये भी एफिशिएंसी 2 की। हमारी 2-2 बन गई थी मेरे से गलती से। और थोड़ा बहुत खाना ले लेते हैं और ये सब कुछ स्टोर करा देते हैं। और अभी जो है मुझे अपना बाकी का सामान ढूंढना पड़ेगा कौन सी चेस्ट में। फिलहाल इसके अंदर तो नहीं, और इस वाली के अंदर तो हमारा सारा महंगा वाला आइटम है आई थिंक इस वाली चेस्ट के अंदर। हाँ इसी के ऊपर मदद से तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सीड ले लेते हैं, कुक मटन ले लेते हैं, और थोड़े बहुत ब्लॉक्स ले लेते हैं। और जो है मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड बनानी है, तो ये रही स्टिक्स। और आई थिंक आयरन हमारा इस वाली चेस्ट में था। अरे नहीं,
भूल जाता हूँ कौन सी चेस्ट में क्या रखा है। ये हमारे पास काफ़ी सारा आयरन है, आयरन की कोई कमी तो है नहीं है हमारे कि। अभी जो है मैं इससे एक स्वॉर्ड बनाऊंगा और एक एक्स बनाऊंगा, और हमारा आर्मर तो पूरा ही है। हाँ भाई सब कुछ फुल है, ये भी पहन लेते हैं हम, और बाकी का जो आयरन है हमारा वो हम स्टोर करा देते हैं। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, और अभी जाने से पहले मैं जो है अपनी दोनों पिकेक्स को एक साथ मिक्स कर देता हूँ, हेल्थ फुल हो जाएगी। नहीं एक्सपी की कमी है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। इस बार जो है मैं बेड नहीं ले जा रहा, उसे लेकर जाने कोई नहीं, अपने कार्ड अपने विलेज से तोड़ लेता हूँ एक बेड नॉट ब्रेड। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ये लोग सॉरी फॉर द लैग एंड बैकग्राउंड नॉइस। ये कितनी बातें करते भाई ये विलेजर। चलिए तो ये लोग अभी हमने इसको यहाँ रख दिया, और अभी हमें जाना है इसको इस तरफ में लेकर। मैं जो ये एक्स लाया था इससे मैं ट्री काट के पहले एक बोट बनाऊंगा अपने लिए, मतलब कि वुड कलेक्ट कर लेते हैं, बोट हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि आज मैं वाटर ब्रीथिंग लेकर आ रहा हूँ साथ। ये देखिए लास्ट टाइम जो हमने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर छोड़ा था ये भी हमारा यहीं पर है। चलिए हम यहीं पे जल्दी से बोट क्राफ्ट कर लेते हैं। अब जो है उसके लिए मुझे सबसे पहले स्टिक्स बनानी पड़ेगी, और इससे बनाएंगे हम सवल, सवल के बाद बनेगी हमारी बोट। और अभी जो है मैं एक सवल और बना रहा हूँ, और चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से। पहले मैं खाना वाना सेट कर लूँ, पोशन भी सेट कर लेते हैं, बोट भी लगा लेते हैं। चलिए ये रखी हमने बोट, और अभी जो है हमें ये लेकर यहाँ से इस तरफ में जाना है, मतलब कि वाकई में जाली मैप दे रखा है मेरे को। मेरे पास पोशन भी है, आज मैं वो जगह पक्का एक्सप्लोर करके आऊँगा कि वो था क्या वहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है ऐसी जगहों पर ज़्यादातर वो मिलते हैं हमें ट्रेजर मैप मिलते हैं। चलिए हम जल्दी से चल कर देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, मैंने जो है आज अपने चंक्स कम कर रखे, क्योंकि ज़्यादा चंक्स होने से भी हमारी जो गेम है। अभी मैं ये शील्ड हटा लेता हूँ अभी, क्योंकि इस शील्ड की वजह से हमें जो है ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा। यहाँ पे कुछ तो है नीचे, को मैं अपना एक पोशन पी लेता हूँ। अच्छा तो ये खाली सिर्फ डिजाइन था, पोपट हो गया हमारा, कोई बात नहीं हम चलते हैं अपने मिशन पर, आगे चलते हैं। चलिए हम और आगे चलते धीरे धीरे करके। मैंने बेकार भी अपने एक पोशन पी लिया, चलिए कोई बात नहीं। इस बार जब मैं पूरा नदी के रास्ते से जाने वाला हूँ, ये सीढ़ियाँ क्यों मार रही है मेरे को देख के डॉल्फिन। इसलिए मैं आगे चलकर मिलता हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मैं उस जगह पर पहुँच चुका, और वो जगह है मेरे बिल्कुल नीचे। अभी जो है हमारा 5 मिनट का पोशन बचा है, फिलहाल मैं अपना सवाल ले लेता हूँ। टेक्स्ट
टेस्ट करना है। यहाँ पे मॉब्स भी हैं, पहले इनको मारता हूँ। अरे भाई ये चीज़ भी गलत है, मतलब कि ये भी है कि पानी में एरो भी नहीं चला सकते ढंग से। और ये लोग देखिए कि तो भाई मेरा कुत्ता जरूर भरेंगे। चलिए मैं भी पहले थोड़ा तैयारी करके फिर जाता हूँ। मैं जो है इस मॉन्स्टर को पहले मार देना चाहता हूँ, पर ये जो है ना पानी में मेरा काम ही नहीं कर रहा है एरो। और भी हो सकते हैं वैसे यहाँ पर, देखो भाई लोग वो वहां पे घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। चलिए मैं भी और आगे आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी से मैं इसे तोड़ता हूँ। पानी में काफी ज्यादा स्लो स्पीड होती है। तोड़ने के अभी मैं जो है ये भी तोड़ चुका हूँ। यहाँ पर अभी मैं जो है पानी में सैंड भी कितनी ज्यादा स्लो टूट रही है। मैं अपना दूसरा पोषण पी लेता हूँ। भी कोई रिस्क नहीं लेना हमें। यहाँ पे चेस्ट तो होती है। चलिए मैं ढूंढ कर मिलता हूँ आपसे। तो फिर काफ़ी देर तक यहाँ पर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर एक ट्रेजर मैप मिला है, और मुझे मिला है यहाँ पे ये लक ऑफ द सी यही सब मिला है। और यहाँ पे ये थोड़ा वीट कोल ये सब मिला है। तो इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ये इस आइलैंड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है कोई बात, पर हम नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास हमारा एक पोर्शन और बचा हुआ है और हमारे पास फूड की भी कमी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।